सारा बिजी है गाइस, बंदा पढ़ाई कर रहा है। अग्निवीर वाला बंदा है, चार पेज भरे हैं, सिर्फ चार पेज। आप सब लोगों को पता है मैं बोल रहा था कि सरप्राइज है सरप्राइज है, तो आज जो सरप्राइज है, आप लोगों ने पहले जो ब्लॉग देखे होंगे उसमें मैं जा रहा था कोटी कॉलोनी। मैंने इसको बोला कि राहुल को ढूंढ, ये अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू एपिसोड। आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही सुबह 7:30 बजे से, और मैं उठा था आज 6:30 बजे और सोया था रात को 12 बजे। तो आप सब लोगों को पता है मैं बोल रहा था कि सरप्राइज है सरप्राइज है, तो आज जो सरप्राइज है, आप लोगों ने पहले जो ब्लॉग देखे होंगे उसमें मैं जा रहा था कोटी कॉलोनी। जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको भी बता देता हूँ कि आज है मेरी जॉब का पहला दिन, और मेरी जॉब लगी थी उधर ही कोटी कॉलोनी। आपको बता दूंगा कौन सी जगह है, अभी मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो आज सर ने कॉल की थी कल की, जल्दी आ जाना 8:30 बजे से। वैसे ड्यूटी 9:30 बजे से 5 बजे तक, पर आज मुझे थोड़ी जल्दी जाना पड़ रहा है, 8:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है, और 7:30 हो चुकी है अभी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तो मैं नहाने जा रहा था, और बाहर मौसम इतना ख़राब हो रखा है कि बहुत भयंकर वाली ठंड लग रही है। तो मम्मी ने बोला कि अभी मत नहा कि आज ठंडा हो रखा है, तो मैं नहीं नहा रहा हूँ अभी। मैं फटाफट से रेडी हो चुका हूँ और फटाफट से निकलना है मुझे यहाँ से, बिकॉज पहला दिन है और जल्दी भी जाना है। तो करते ब्रेकफास्ट और फटाफट निकलते हैं और दिखाते हैं आप, वो बताते हैं एक्सपीरियंस अपना। तो बोलते हैं लोग फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही आज पहला दिन है और जल्दी जाना है, तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं यहाँ से। और आज ब्लॉग मैंने जल्दी अपलोड कर लिया, बिकॉज क्या होगा कि मैं अब चलाऊंगा स्कूटी, तो स्कूटी में टाइम नहीं मिल पाएगा, और वहाँ फटाफट जाना है, तो काम भी शुरू करना है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी अपलोड कर लिया 7:30 बजे, तो देख लेना। तो अभी निकलते फटाफट, यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे जल्दी ही, बिकॉज 1 घंटे के अंदर मुझे वहाँ पहुँचना है, और स्कूटी मतलब भगानी पड़ेगी जल्दी जल्दी। तो चलते हैं फटाफट यार, दिखा नहीं पाऊंगा आज ज़्यादा कुछ क्योंकि पहला दिन है, तो होता ही है कि काम भी करना पड़ता है। तो सो गाइज, ये जल्दी उठ गई आज, मेरे लिए टिफिन रख रही है, बहुत बड़ी मुश्किल से पहले दिन आज 7 बजे उठी है। सो हेलो जी, फाइनली शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से, और भयंकर वाली बारिश लगी थी अभी तक, तो मैंने सोचा रुकेगी ना, बट रुक गई है। चेक द साउंड मौसम, और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। हेलो जी, फाइनली शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं पहुँच चुका हूँ घर में, और दिन में ना इतनी भयंकर वाली बारिश है ना, दिन में भयंकर वाली बारिश लगी थी, तो आज था पहला दिन, तो मैं दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि जॉब पे दिखाना बड़ी मुश्किल बात है। आज भयंकर वाली बारिश लगी थी, तो अभी मैं पहुंचा हूँ 6:30 बजे, तो पहले पीछे चाय और फिर निकलते हैं घर से, पहले करते हैं चेंज और फिर निकलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। जस्ट घर पहुंचा ही था, और ये पॉपकॉर्न रखा है यहाँ पे, और यहाँ बन रही है चाय चाय। तो फटाफट से पीते चाय और चलते हैं गाँव की तरफ। तो कल का जो बंटी भाई का सपना था वो पूरा नहीं हुआ, और आज फिर दोबारा एक बार फिर दोबारा सपना देख रहे हैं बंटी भाई। ऑडी का सपना था कल का, बंटी भाई आज लगा रखे ना, बिल्कुल कितने का वाला है, आ जाएगा आज देखते हैं अभी क्या होता है। कल तो कौन भी डांसली बोला था तू भाई साहब, इतनी भयंकर वाली सर्दी हो रही ना यार, मेरा नाक लाल हो गया, और जाते जाते टाइम ना भाई चेक द साउंड, ओ चेक द साउंड गाइस, भाई ज्यादा टाइम में भयंकर वाली आफत आ गई। कल मैंने कहा ना कि आज बाघ आ रखा, आज मारने जा रहे हैं हम सब, देखो बॉडी में कुछ इसने मार दिया, कुछ इसने मार दिया गाइस, कुछ इसने मार दिया, हम तीनों अलग हैं, आज मारेंगे भाई, अब ये मारेगा आज तो मार करेंगे भाई साहब, कल वाला आज तो मरेंगे या फिर मारेंगे, ठीक है तू भी भाई नॉन वेज खा, अबे ठंड लग रही, ठंड भाई तुझे कहाँ लग रही, अरे ससुरे ठंड नहीं लग रही तुझे, किसी को बताना मत। तो गाइस अभी चल रहे हम घूमने आगे, बाघ मारने गाइस, बाघ मार, चल मैं बाघ रोज बाघ आ गए, आगे जा रहे हम घूमने के लिए, थोड़े आगे तक जाते हैं हम शाम को। तो चलते हैं आगे तक घूमने, गाइस बंटी भाई करा रहे पार्टी, बंटी भाई क्या ले रहा है, पार्टी पूरी नहीं बाबा, भाई गूगल पे करूं मैं, ये बात तो पार्टी भाई के को खाना को और के को लित। तो गाइस हम बकचोदी मार रहे हैं, बंटी भाई देखना ये गुड़ चोर रहा है गाइस, बाल तो नहीं आए। सो गाइस आज है 1 अप्रैल और किसी को अप्रैल फूल बनाने की सोच रहे हैं रात को, तो क्या करें बंटी भाई,
क्या करना है भाई, देखते हैं। चले चले चलो, अबे कहाँ की बात कर रहा भाई, प्रैंक की बात कर रहा हूँ करते हो प्रैंक। सो गाइस रात के बज चुके हैं 8:30 और तू कब जाएगा भाई घर? थोड़ी देर में खाना खाने। ये तो तभी जाएगा जब इसकी मम्मी बुलाएगी। मैं तो चलता हूँ भाई, अब मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा, अब मेरे गले में भी दर्द हो रहा भाई साहब। सुबह गया ना उस बारिश में, तभी तो ब्लॉग नहीं बना पाया सुबह। लेट्स गो, कम ऑन। खाना खा रहा तू पहले फटाफट, सच्ची बोल ना भाई। तू आया था चलते खाने का। सो गाइस बंटी भाई बोल रहा हमारे घर जाने के लिए, तो पता नहीं देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। कसम से कहा, कसम कसम भर भाई, कसम खा। आज वैसे भी 1 अप्रैल है, अप्रैल मान लिया भाई, 1 अप्रैल है कैसे मानू भाई, 1 अप्रैल है कैसे मानू भाई। मेरे गले में भयंकर वाला दर्द हो रहा है भाई, सुबह इतनी भयंकर वाली बारिश लग रही थी ना। और जब तक मैं गया, मैं सुबह तो सही था, मतलब ठंड हो रही थी भयंकर वाली, और मेरे वो हेलमेट ऐसा था ना, हवा घुस रही थी कान से पीछे से। और फिर वहाँ पहुँचा जल्दी से, मतलब आज जल्दी जाना था, और वहाँ भी वो दिखा नहीं पाया आपको, थोड़ी सी जब लंच हुआ था उसके बाद क्या था कि 4:30 बजे मैं बैठ गया था, 4:30 के 3:30 बजे मैं बैठ गया था काम निपटा के पूरा। और उसके बाद क्या था कि एक जो दूसरा स्टाफ है वहाँ, वो 5:30 बजे निकलता है वहाँ से, बट उसकी बस है TSDC की बस जाती है ना वहाँ से, तो उसमें जाते हैं 5:30 बजे। तो मैं उसी के साथ निकला, बट मेरी स्कूटी ले जा रही थी, मैं स्कूटी में आया तो 5:30 बजे वहाँ से निकला। फिर बीच में एक हमारे साइड का एक लड़का रहता है, वो जाता है TSDC में, तो वो भी आया मेरे साथ, मैंने खुद रुकाया, उसने पहचाने नहीं मेरे को, मैंने मास्क लगा रखा था और हाथों में ग्लव्स थे, मतलब पूरा ढक रखा था, तो उसने पहचाने नहीं, मैंने खुद ही रोका। तो उसने देखा कि तब बोल रहा कि तेरी आँखें आँखें दिख रही थी, तो इसलिए मैंने रोका नहीं, तो मैंने खुद ही रोक लिया था। तो वो मेरे साथ आया मार्केट तक। सो गाइस हमारे बंटी भाई का टैब देखना भाई साहब, टैब बताओ कब मिला था, कॉलेज के कॉलेज में पैसे मिले थे इसको? किस चीज के मिले मैं थे कॉलेज का नहीं अपना ही भाई ना ना किस चीज के लिए मिले थे पढ़ते नहीं किस चीज में मिले थे हाँ एक बार जब वो था क्या था जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तब मिला था इसको, तो तब से चल रहा है। जान रहे हमारे जस्ट हम यहाँ पे आए थे, मैंने इसको बोला कि राहुल को ढूंढ गया, अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहा। मैं उठा मैंने देखा सीधा राहुल, ये राहुल भाई ये लानत ना क्या बोलते लानत है तेरी जिंदगी पे जब पहचान अपने भाई को भाई बाल देख रहा परसों तेरे बाल मस्त है ऐसे वाले क्या तो फाइनली गाइस हम आए थे बंटी भाई घर, और अब यहाँ से जा रहे हैं, बिकॉज क्या है कि बंटी भाई हमारे घर पे जा रहे हैं, तो बोल रहा था इनके घर पे बन रही खिचड़ी, तो बोल रहा है कि खिचड़ी खा के चलते हैं, तो वो खा रहा है अभी खिचड़ी, और हमारे घर पे बन गया खाना। मेरी दीदी कॉल आई थी, तो दीदी से बात की थी इसने कि मेरे लिए बन रखा है कि नहीं बन रखा, तो उसने बोला कि 2-4 और लेके जाओ सबके लिए बन रखा है, तो अभी जा रहे हैं वहीं। सो गाइस आते आते ये आ गया सौरभ लोगों के घर पे। बंदा भाई रजाई के अंदर पढ़ता है। सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। कौन सा भाई? सो गाइस जस्ट हम यहाँ पे पहुंचे थे, एक चीज चेक करवाते हैं आपसे, सौरभ की पापा की यस इसकी शादी हुई थी, सारिका की शादी कब हुई थी? सितंबर में ना, सितंबर इसी 2022 में, ये सेट चेक करें। और ये सारिका की शादी हुई थी, और सारिका की दीदी की शादी हुई थी 2018 में, ये सर्ट तब से चल के आ रही यहाँ तक 18 से 22 तक। वाह क्यों बंटी भाई, कपड़े चलाने में बात है, तेरी तरह थोड़ी है भाई, दो महीने में फेंक दो। चल भाई
का हो गया भाई? शट अप, लेट अस गो। चल भाई, ओ भाई। सो गाइस, जस्ट हम खाना खाने जा ही रहे थे और ये इतना मजाक हो रहा है ना बंटी भाई। ले जाते पकड़े। डर नहीं पता नहीं पता आधा कराए नहीं होता यार तो। पर ये थोड़ा यार अरे इन बाम हो ये ब्रो ना रोटी खिला रही भाई से। सो पाले यार पेट से जान भरो। सो फाइनली गाइस, रात के बज चुके 10:30 और मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। हेयर इज बंटी भाई, आपको पता कि हमारे यहाँ रखा है। और मेरे बाल देखो गाइस, कल आज मैं नहाया नहीं तो मेरे बाल ऐसे रखे बिकॉज क्या थी, बाहर बारिश लग रखी थी और मेरे को लग रही थी बहुत भयंकर वाली ठंड और इसलिए मैं नहाया नहीं। उसके बाद जाना था स्कूटी में और ठंड लगती तो पहले मेरे गले पे दर्द हो रहा था, तो पता नहीं बुखार आता कि अगर मैं नहाता सुबह तो। हेयर इज हमारे गुट्टू भाई, जो किसको जानते होंगे आप, राहुल नौटियाल। ओए फेस दिखा दे अपना। लाइट बंद हो रही है भाई। रानी गाइस क्या कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो सपोर्ट बना रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।